भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि जो अर्जुन ढिल्लों का सॉन्ग आया था उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी के बीच कल निमरत खेरा ने सपोर्ट किया था, अपनी पोस्टर डाली, और आज मनिंदर बटर ने भी पोस्टर डाली है। तो मैं ऐसे मनिंदर को बोलना चाहता हूँ कि तू बटर है या क्या है, जो भी है तू, तू मेरी एक बात सुन यार। यार तुसी लोग गल्लां करते हो यार इतिहास दी, डोगरां नूं बदनाम करते हो, ठीक है। तुसी कदे भी पंजाबी इतिहास दे सबसे बड़े सूरमे जिहदे नां पर लोहड़ी मनाई जाती है, क्या तुसे उहनां नूं प्रमोट किया कदे? कदे दुल्ला भट्टी के नाम पर गाने गाए? तुम्हारे से तो वो अच्छे हैं, तुम्हें पता है आधा पंजाब सांदल बार कहलाता था मुगलों के टाइम। मुगलों के टाइम तीन पीढ़ियां राजपूतों की लड़ी थी, वो खुलकर आज भी अपने को पिंडी भट्टियों में राजपूत बोलते हैं। कौन लड़ा था? सबसे पहले पर लड़ा था राय सांदल भट्टी, उनकी बहुत बड़ी हुकूमत थी तब, फैसलाबाद लियालपुर जिसको पहले कहते थे, फैसलाबाद से लेकर चिनौत से लेकर जितना भी आसपास का सारा इलाका सरगोधा वगैरह सब सांदल बार कहलाता था। सांदल भट्टी तब राजा थे, जब बाबर ने हमला किया था ना तो सांदल भट्टी चौदह लड़े थे। तो सांदल भट्टी की कहानियाँ, सांदल बार की कहानियाँ तो गुरदास मान भी बताते रहते हैं, तुमसे तो गुरदास मान सिंगर अच्छा है, सुन ले। सांदल बार दे बहुत पुराने टोलियां दी एक यादगार, एक मामूली जा गहना। ये तो मैंने पंजाब के योद्धे सुनाए, ऐसे पुत्रों पूरे देश में इतने लाखों क्षत्रिय योद्धा हुए ना, तो गिन गिन कर बारी नहीं आएगी, ठीक है। एक राजपूत होने के नाते, क्योंकि डोगरा भी हमारे भाई हैं, राजपूत होते हैं, तो उसके नाते हम ये बोल रहे हैं, तो किसी पर भी गलत टिप्पणी मत करनी चाहिए सांग के जरिए। आपको तो राजपूतों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हजारों सालों ने क्षत्रिय ने आपको बचा कर रखा है। अगर क्षत्रिय नहीं होते तो शायद आज आप जिंदा नहीं होते। पूरे देश में क्षत्रिय लड़े हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, मिहिर भोज हो, दुर्गादास राठौर हो, छत्तरसाल बुंदेला हो, विद्याधर चंदेल हो, लाखों क्षत्रिय योद्धा मैं गिन गिन कर ख़त्म ही नहीं होंगे भाइयों। इतने योद्धा हुए हैं, इतने गर्दने कटवाई है ठाकुरों ने, राजपूतों ने, कि तुम्हें बार भी जन्म ले लोगे अगर आप कर्जे इतना झुका नहीं पाओगे राजपुत्रों का, क्षत्रियों का। लेकिन फिर भी तुम उनको प्रमोट ना करने के बजाय तो आप उनको गलत तरीके से बता रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है।